सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, फिर आज हम आए सत्य निकेतन और आज हम जाने वाले एक नॉर्मल से एक छोटे से कैफ़े में। वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूं कि इस कैफ़े में क्या क्या है और प्राइसिंग और मेन्यू कार्ड वगैरह को चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां से लिंक शेयर कर दूंगा। और वो भी लिंक जब खुलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को डीएम करोगे, ठीक है गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखना, स्किप करके देखोगे तो मैंने बीच में चीज़ें बता रखी होती है, आप फिर वही चीज़ मेरे से आप फिर कमेंट में पूछते हो और इंस्टाग्राम पे पूछते हो, तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वॉल आपको ऐसे दिखेगी और जस्ट ये आपको सामने से देखो, सेकंड वॉल आपको ये हैप्पी बर्थडे की वॉल दिखेगी और सामने से आपको ये इसका फ्रंट व्यू है। जैसे आप एंटर करेंगे इसका ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं एम्बियंस की, तो एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ये वॉल देख सकते कितनी प्यारी लग रही है हैप्पी बर्थडे की। और ये जस्ट आपको फोटो क्लिक कराने के लिए वॉल लगा रखी है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपको हर एक वॉल पे एक अलग ही मतलब डेकोरेशन मिलेगी जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और सेटिंग्स भी बहुत ही अच्छे से हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बैठने में, आराम से हर एक वॉल पे आप 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। और ये गाइस देख सकते हो मिरर है मेरे सामने, जैसे हमारे राइट साइड में मिरर है, ये आपको रिफ्लेक्ट करके मतलब ऐसा लगता है जैसे विंडो है। और बात कर लेते हैं हुक्के की, तो आप देख ही सकते हो हुक्के यहाँ पे अच्छे अच्छी क्वालिटी के भी हुक्के हैं, और आपको और छोटे से बड़े हर टाइप के आपको हुक्के मिल जाएंगे यहाँ पे। और देखिए, और बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर रूफ़ पे, देख लीजिए आप कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे, और बैठने पे अलग ही वाइब आ रही है। और ये जस्ट मैं आपको ये जो वॉल दिखा रहा हूँ अभी, ये आप ये एंटर करते आपको फ्रंट मतलब फर्स्ट वाली वॉल दिखेगी। और जस्ट यहाँ पर अभी कपल बैठे हैं। और बात कर लेते हैं अब ये जो लोगो वगैरह है, ये डेकोरेशन के लिए लगा रखी है, मॉन्स्टर का लोगो है। और ये आपको यहाँ पर डांसिंग स्पेस में मिल जाता है थोड़ा बहुत, अगर आप चाहें तो डांस वगैरह कर सकते हैं। और ये स्क्रीन लगा रखी है बहुत ही अच्छी, जैसे म्यूज़िक वगैरह चलता है तो काफ़ी अच्छा वाइब आता है। मिरर देख सकते हो हमारे राइट साइड में, और ये मेरा फ्रेंड है नोनी पुत्र, ठीक है गाइस। उसके बाद कर लेते हैं डांसिंग फ्लोर की बात, तो डांसिंग फ्लोर के लिए आपको थोड़ा लास्ट में स्पेस मिल जाता है, अगर आप मे बी अगर डांस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मिनिमम 7 से 8 लोग आराम से डांस कर सकते हैं, इतना फ्लोर वहाँ पे स्पेस है मिल जाता है आपको, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फूड की, तो फूड के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है फूड का। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, फूड के लिए आपको सर्विस काफ़ी स्लो मिलती है यहाँ पे, बट वहीं थोड़ा माइनस पॉइंट लगा मेरे को कि सर्विस काफ़ी स्लो है। और बाकी आपको A to Z फूड वूड टेस्ट वगैरह काफ़ी बेटर है, ठीक है। और इस बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो जस्ट हम 3 मेंबर थे, ठीक है गाइस, मैं अपना बता रहा हूँ। हम लोगों ने लिया था इसमें आपको 800 रुपये की बिलिंग पे एक हुक्का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है गाइस। उसमें 800 रुपये का आप कुछ भी मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक हुक्का कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है फ्री, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम डिश कितने से स्टार्ट होती है डिशेस वगैरह, तो इसमें मिनिमम डिशेस आपको 250 के अराउंड आपको मिनिमम डिश स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। अगर आपको मेन्यू कार्ड अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं गाइज, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, और वो लिंक जब भी ओपन होगा जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है गाइज। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं लास्ट में वीडियो के, तो गाइस यहाँ पर आपको लगाया जाएगा GST के साथ बिल, ठीक है, तो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ गाइस, सर्विस चार्ज भी इसमें ऐड करते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए आप पहले ही उनसे डिस्कस कर ले, क्योंकि हमने तो सर्विस चार्ज हमारे बिल में ऐड किया था बट हमने नहीं दिया था, क्योंकि सर्विस ही इतनी मतलब स्लो थी, तो हमने बोला हमें नहीं चाहिए, हम क्यों दें सर्विस चार्ज, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। और किसी भी कैफ़े में जाते हो ना गाइस, तो GST वगैरह तो चलो समझ आता है किसी किसी कैफ़े में लेते हैं,
और अदरवाइज और कैफे में मैंने अब तक गया हूँ तो GST किसी में भी नहीं दिया मैंने वैसे, और सर्विस चार्ज तो खासकर ही नहीं दिया, क्योंकि यार किस बात के सर्विस चार्ज दे, तुम तो कैफे में हो ही तो दोगे यार सर्विस, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, नहीं तो वो बिल में ऐड करते हैं और बिल बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और चलते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो का मजा लो, ठीक है। और हाँ गाइस, शेयर कर दिया करो यार, शेयर करने में क्या जाता है, और सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो यार, 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से शेयर करो और 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवाओ यार। चलो वीडियो का एंजॉय करो जब तक। एड्रेस आपको नीचे मेंशन कर रखा है मैंने, और यहाँ आने के लिए आपको दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, उससे वहाँ से आपको 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आपको आते रहना है जस्ट। उसके बाद आपको यहीं पे ये बॉटल हाउस एंड चाइना वॉल दिख रहा है, जस्ट आपको साथ में कैफे 11 के नाम से दिखेगा कैफे, ठीक है जी, ग्राउंड फ्लोर पर ही है। तो आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, तो ये गाइस दिल्ली में पड़ता है, कई लोग पूछते हैं मैसे दिल्ली में पुणे में, तो दिल्ली में पड़ता है, ये एड्रेस मैंने आपको दे रखा है, ठीक है।